भोजपुरी भाषा में अश्लीलता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह फंस चुकी है। भोजपुरी में अश्लीलता के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को अपने लपेटे में ले लिया है। आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि भोजपुरी एक मीठी भाषा है, लेकिन बीजेपी इसे गंदा और अश्लील बनाकर बदनामी करवा रही है। भोजपुरी में अश्लीलता का मामला अब सड़क किनारे की बहस से सदन तक पहुंच चुका है। भोजपुरी भाषा में अश्लीलता पिछले एक दशक से बड़ा मुद्दा रहा है। हर कोई यह मानता और जानता है कि भोजपुरी भाषा को अश्लीलता खाती चबाती जा रही है। भोजपुरी भाषा में अश्लीलता का मामला लगातार उठता रहा है, लेकिन यह सोशल मीडिया की बहसों से आगे बढ़ता ही नहीं है। दिलचस्प बात तो यह है कि भोजपुरी भाषा में जितना ज्यादा अश्लीलता का मुद्दा उठाया जाता है, अश्लीलता उतनी ही ज्यादा भोजपुरी में बढ़ती जाती है। भोजपुरी फिल्म हो, भोजपुरी गाने हो, बिना अश्लीलता के पूरे ही नहीं होते। हालांकि बिहार में इन दिनों बिहार पुलिस भोजपुरी गीतों में अश्लीलता और जातिवाद को लेकर एक्शन में है। इस तरह के गीत गाने वाले गायकों और लेखकों पर कार्रवाई भी हो रही है। पुलिस मुख्यालय ने इस तरह की गीतों को लेकर साफ तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है। संभवतः पहली बार भोजपुरी भाषा में अश्लीलता का मसला बिहार विधानमंडल तक पहुंच गया। मामले को लेकर आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने बीजेपी पर खूब हमला बोला। हम आपको बता दें कि सुनील कुमार सिंह विधान परिषद के काफी एक्टिव सदस्यों में से एक हैं और लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को अपने अलग स्टाइल में उठाते रहते हैं। तो आज एमएलसी सुनील कुमार सिंह के निशाने पर भोजपुरी फिल्म जगत में अश्लीलता का सवाल रहा। भोजपुरी में अश्लीलता और द्विअर्थी संवादों के मुद्दे पर सुनील कुमार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे लपेटे में ले लिया। इस मामले पर बिहार विधान परिषद में सत्ताधारी महागठबंधन और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बीच खूब नोकझोंक हुई और बहस हुई। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान आरजेडी के सदस्य सुनील कुमार सिंह द्वारा अश्लील एवं द्विअर्थी भोजपुरी कलाकारों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सांसद बनाए जाने पर आपत्ति व्यक्त की गई। सुनील कुमार सिंह के निशाने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ और रवि किशन जैसे चेहरे थे। सुनील कुमार सिंह ने जब यह बयान दिया तो बिहार विधान परिषद शोरगुल और हंगामे में डूब गया। इसके बाद बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं होंगे उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। हालांकि सुनील कुमार सिंह लगातार भोजपुरी भाषा में अश्लीलता पर बोलते रहे, बीजेपी पर हमला बोलते रहे और सभापति देवेश चंद्र ठाकुर की आपत्ति के बाद भी, उनके ना करने के बाद भी, जब वो सदन से बाहर निकले तो बिहार विधानमंडल के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी उन्होंने भोजपुरी भाषा में अश्लीलता और द्विअर्थी संवादों का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर हमला बोला। भोजपुरी गीतों में अश्लीलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हुए एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग ही भोजपुरी में अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। यह जो कुछ भी हो रहा है वो उचित नहीं है। हम बता दें कि आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने यह भी कहा कि हमारी भाषा भोजपुरी में जो मिठास है वो कोयल की बोली में भी नहीं है। भोजपुरी भाषा की मिठास कोयल की बोली से जरा भी कम नहीं है। देश भर में 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग भोजपुरी भाषा में बात करते हैं। पूरे विश्व में भोजपुरी भाषा की अपनी अलग पहचान है। भोजपुरी एक सांस्कृतिक भाषा है, इसके बावजूद इसमें अश्लीलता परोसी जा रही है जो कहीं से भी कतई उचित नहीं है। एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ पर सवाल भी उठाया। बता दें कि ये तीनों सांसद भोजपुरी फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा में हैं। सुनील कुमार सिंह ने कहा कि इन जैसे लोगों के कारण ही बाकी के जो नौजवान हैं, जो कम उम्र के लड़के हैं, वो इस तरीके से सीख कर ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सुनील कुमार सिंह ने भोजपुरी भाषा में सेंसर बोर्ड का मांग किया, सेंसर बोर्ड का सवाल उठाते हुए कहा कि भोजपुरी गीतों को मार्केट में लाने से पहले उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो बिहार से जुड़ी तमाम ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।